गाजियाबाद में हनुमान जी की शोभा यात्रा के नाम पर हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने पहले उन्हें समझाया, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालने पर अड़े थे और पुलिस का कहना था कि प्रशासन की मंजूरी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में काफी देर तक हिंदू रक्षा दल और पुलिस अफसरों के बीच ये बहस चलती रही, लेकिन जिद पर अड़े कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया और पुलिस की माने तो इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी लाठी बरसाई और करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। जुलूस निकालने का प्रयास किया, उनको रोका गया, मना किया, उन्होंने जुलूस समाप्त कर दिया, लेकिन अपने कार्यालय पर जाते समय उन्होंने पुलिस से पथराव किया। पुलिस पथराव करने पर उनको अरेस्ट किया गया है, कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई से भड़के हिंदू रक्षा दल का कहना है कि उनके पास हनुमान जी की छठी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी थी, लेकिन आखिरी वक्त में प्रशासन टालमटोल करने लगा। इसके बावजूद वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। यहाँ का प्रशासन गाजियाबाद का आज भी समाजवादी पार्टी की तरह, जैसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वही प्रशासन आज भी मौजूद है और उनके दिमाग में आज भी प्रशासन के में यह है कि यह सरकार आज भी समाजवादी पार्टी की चल रही है। इस पूरे हंगामे के खिलाफ पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। मयंक गौड़, गाजियाबाद आज तक।